दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर जम्मू से। जाए कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं। आज जम्मू कश्मीर से आई एक तस्वीर ने देश को रुला दिया। बिलखती बेटी और सदमे में डूबी पत्नी, जिसने भी देखी उसकी आंखों में आंसू आ गए। कश्मीर में टेरर किलिंग के शिकार पूरन कृष्ण भट्ट का अब से थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार किया गया। बिलखती पत्नी और बेटी को देखकर वहां मौजूद हजारों की भीड़ आंखों में आंसू लिए हुए पहुंची थी। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई दे रही थी। भीड़ बेहद गुस्से में है, नारे लगाए गए, आतंकियों से हत्या का बदला लेने की मांग हो रही है। पूरन भट्ट के अंतिम सफर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की कश्मीर के शोपिया में हत्या कर दी गई। परिवार जम्मू में रहता है, इसीलिए अंतिम संस्कार भी जम्मू में हो रहा है। और ये छह तस्वीरें कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में, तमाम जो कश्मीरी पंडित है वो सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा की मांग भी यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की ओर से की गई है। बता रहा आपको, पूरन भट्ट को कल आतंकियों ने गोली मार दी थी और आज आपने देखा किस तरह से अंतिम संस्कार में लोग उमड़े हुए थे और अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। परिवार की बात करें तो परिवार सदमे में है। बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार से पहले जब पूरन भट्ट की बेटी ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को चूमा तो वहां मौजूद लाखों लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। पत्नी सदमे में है, पूछ रही है कि अब उसके बच्चों का क्या होगा, उनके लोगों का क्या होगा। हत्या से पहले पूरन भट्ट ने पत्नी को वीडियो कॉल किया था और थोड़ी ही देर बाद आतंकियों ने पूरन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी और ये खबर परिवार को मिली तो पूरा परिवार सदमे में डूब गया। मेरी 12 बजे बात हुई, वो बाग में बैठे थे, वीडियो कॉल की उन्होंने बोला, मैंने कहा आप कहाँ हो, बोलते मैं बाग में हूँ। मैंने कहा आप क्यों बाग में गए, घर जाओ। कहते घर पे कोई नहीं है, सारे बाग में, मैं वीधरी आ गया। तो मैंने कहा चले जाओ आप घर में। कहते अच्छा थोड़ी देर में जाता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, फिर बोला मैं आर्मी कैंप के पास पहुँच गया हूँ, अब मैं फ़ोन काटता हूँ। तो ये आर्मी कैंप वाले यहाँ पे फ़ोन करने नहीं देते हैं, तो मैं घर में जाके करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने घर में फ़ोन ही नहीं किया, 1 बज गए। मैंने कहा मैं उनको फ़ोन करके पूछूँ कि आपने खाना खाया। मैंने फ़ोन किया, वहाँ एक लड़की ने उठाया, उसने कहा उनको गोली मार दी, उनको हॉस्पिटल लिया। फिर मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ, फिर मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, फिर मुझे कुछ पता नहीं है। फिर तो पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ है। पूरन भट्ट कुछ दिन पहले जम्मू में ही थे, जाते वक्त बेटी ने हालात खराब होने की दुहाई देकर रोका था, 1 हफ्ते में वापस लौटने का वादा कर गए, लेकिन जिंदा वापस लौट नहीं पाए। टारगेट से पहले वो 10-12 दिन ही थे। फिर बच्चों ने बहुत, बेटी ने बहुत मना किया था, इस बार बहुत मना किया था, मत जाओ पापा मत जाओ, इस बार मुझे दिल घबरा रहा है, मत जाओ, वहाँ का हालत ठीक नहीं है। मगर फिर बोला नहीं, मैं 1 हफ्ते में ही वापस आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लेना, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा। फिर वापस आए नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।